हेलो सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मुझे पता है मैं आपका माइंड रीडिंग कर सकता हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हो अभी। आपको खुशी भी बहुत हो रही है कि भाई फाइनली हॉरर वीडियो आ गया, और साथ में मुझे कूटने का मन भी कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ढाल वाल लेके खड़ा हूँ। प्रहार करने से पहले सुन लो मेरी बात, कि जितने लोगों को भी मेरे ऊपर तोप गोला फेंक के मारने का मन कर रहा है ना, सुन लो पहले भाई। मेरा ये वीडियो रेडी था, झूठ बोलो, सच बता रहा हूँ, रेडी था। मैंने पोस्ट भी डाली थी, रेडी है। बार बार झूठ बोलो। बट क्या हो गया ना यार, 900 के हुए अपने यूट्यूब पे, और चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई। अब स्ट्राइक पड़ गई तो उसी वक्त डालने वाला था मैं वीडियो, बट क्या करूँ, स्ट्राइक पड़ने में पूरा चैनल डाउन चला जाता है, व्यूज़ आते नहीं। तो अब स्ट्राइक हटाने में फिर 14-15 दिन और लग गए, और फिर बाद में रीच बढ़ाने में टाइम लग गया, तो 1 महीना और डिले हो गया। तो सॉरी, पर आ गया फाइनली। ये ऐसे मत करो, मुश्किल से एक तो वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, मिलियन स्पेशल वीडियो। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था कि ये 1 मिलियन स्पेशल वीडियो होगा, लेकिन मैं अभी शूट कर रहा हूँ ना, जब तब भी शायद 988K ही हुए हैं अभी। पकड़ लिया साड़ो। और जब मैं डालूंगा तब तक मुझे पता है कि 1 मिलियन हो जाएंगे, आप लोग करवा दोगे। आई लव यू। बोलोगे बहन चो इतना प्यार तो कर रहा है तू, बट वीडियो डालता नहीं है, फालतू का प्यार ले रहा है मुझे। लेकिन फाइनली करोड़ों व्यूज के बाद आ गई है हॉरर स्टोरी। मैं सच बताऊँ, सच जनरली मैं बहुत सारे कंटेंट बनाता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे फनी वीडियोस बनाता हूँ, कॉमेडी वीडियोस, शॉर्ट जो स्केचेस होते हैं, रोस्ट वीडियोस बनाता हूँ मेन चैनल पे, थर्ड चैनल पे पॉडकास्ट करते हैं, भगवान की बातें करता हूँ, ये सब। लेकिन जो हॉरर स्टोरी वाला जो मेरा फैन बेस बना है ना, फैन बेस तो नहीं, भाई बेस बता सकता हूँ, भाई बहन तो नहीं, कट्टर फैन बेस बना है ना, वो ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ। तुम लोग हर जगह पहुँच जाते हो, स्नैपचैट खोल दिया, स्नैपचैट में मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, हर जगह हॉरर स्टोरी ला, हॉरर स्टोरी ला। इतना भूतों से प्यार लाते कहाँ से तुम लोग? तो भाई मैंने सोचा क्यों ना लाई जाए 1 मिलियन स्पेशल हॉरर स्टोरी। और ये स्टोरी जो है वो हमारे साथ, खुद के साथ हुई है, और वो भी कब हुई है, ये लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट। अभी जो चर्चाग्राम, जो लोग सब्सक्राइब कर रखा है मेरे थर्ड चैनल को चर्चाग्राम, जहाँ हम पॉडकास्ट करते हैं, मैं करता हूँ और जीएस बैठ के, हम तीनों के साथ हुई है लास्ट, जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने अपलोड किया वहाँ पे। तो जब हम उस स्टूडियो में शूट करने गए, शूट करते वक्त उस दौरान हमारे साथ ये चीज़ हुई, और कुछ दिन पहले की बात है, अभी 10-15 दिन पहले की, तो एकदम प्रॉपर क्लियरली समझा पाऊँगा आप लोगों को। और ये कुछ लोगों को झूठ लगेगा मुझे पता है, आगे हर बार लगता है, लेकिन ठीक है, क्या बोले, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, वो जरूरी। ओके, तो इस स्टोरी में 3 करेक्टर्स, मैं, जीसस और करता हूँ, हम तीनों का चैनल है जो थर्ड चैनल, उसके लिए हम गए थे स्टूडियो, एक स्टूडियो हमने बुक किया था स्पेशली शूट करने के लिए चर्चाग्राम। पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, अनसंट, बस हमारे पास नहीं है। और बाय लक, बाय फ्लुक, बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस, हम लोग उस दिन हॉरर स्टोरी शूट करने गए थे। तो हॉरर स्टोरी शूट करते वक्त ही हॉरर किस्सा हमारे साथ हो गया, जिसकी एक और हॉरर स्टोरी बन गई। वाह, क्या पता अभी वापस हो जाए कुछ। अब क्या हुआ, हमारा शूट पूरा कंप्लीट हो गया वहाँ पे, रात के शायद 12-12:30 बजे थे। अब हम लोग सब लोग सामान समेटने लग गए, लाइट वगैरह सब कुछ खोल खोल के समेटने लग गए, ठीक है। इतने में अंदर एक स्टोर रूम है, बड़ा है काफ़ी जो स्टूडियो है वो, स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर से आवाज़ आई ज़ोर से, धड़ा सीढ़ी गिरने की, सीढ़ी थी वो चढ़ने की सीढ़ी होती है ना, वो सीढ़ी अंदर रख रही थी शूट वूट के लिए। तो हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, ना कोई हवा चल रही ना कुछ, 12:30 बजे रात को सीढ़ी गिरी, तो थोड़ी सी हल्की सी एकदम 1.5 इंच फटी, लेकिन फिर चले गए हम अंदर। अंदर गए, मैं सीढ़ी उड़ी उठा के सही कराया, वापस बाहर आया, अपना सामान वामन वापस समेटने लग गए सब कुछ करके, है ना। इतनी देर में अंदर जो स्टोर रूम है उसकी लाइट बंद हो गई अचानक से। तो अब हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, सोचा कि भाई ये कैसे हुआ, पर सोचा कि क्या पता वो बिजली का फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो उस चक्कर बंद हो जाती है कई बार लाइट ना, हो जाता है। बट बात ये थी कि सिर्फ स्टोर रूम की लाइट ही बंद हुई थी, बाहर की जो लाइट थी वो बंद नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि भाई होगा कुछ कनेक्शन वगैरह, कुछ तो होगा प्रॉब्लम। तो गए अंदर, गया तो देखा कि जो लाइट बंद हुई उसकी जो स्विच है वो स्विच प्रॉपर बंद हो रखी है। ऐसा नहीं कि भाई अपने आप ही बंद हो गई फ्लक्चुएशन की वजह से, तो मतलब बिजली फ्लक्चुएट होने की वजह से नहीं हुई लाइट बंद, वो स्विच प्रॉपर बंद हुआ है, ऐसा ऐसा जैसा ऐसा ऑन ऑफ होता है ना वैसा। अंदर जाके मैंने वो स्विच वापस ऑन कर दिया, तो वापस ऑन हो गई लाइट। तो बंद करने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए ना बंद करने के लिए, मतलब उंगली उंगली किसी की। फिर बाहर आके उन दोनों को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ भाई, स्विच अपने आप बंद हो गया था। तो हम भी यार स्ट्रेंज हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मतलब स्विच प्रॉपर बंद हुआ है। पर फिर सोचा कि भाई क्या पता महंगा स्टूडियो हो सकता है, बस यहीं गरीब रह जाते हैं हम। उस दिन थोड़ा बहुत अमीरों वाला सोच लिया होता ना, तो आज भूत से मुलाकात नहीं होती हमारी, हमारे तो घर पे साला भूत आएंगे तो भी मिडिल क्लास ही आएंगे, चीनी मांगने, दूध मांगने, ऐसा। खैर, तो अब हम अपनी गरीबी को साइड में रखते, बढ़ते स्टोरी की ओर। तो अब सब कुछ पैक हो गया, ठीक है, सब कुछ सामान वामान उठाया हमने, लाइट्स वाइट्स, और हम जा रहे थे। इतने में आवाज़ आई, एसी ऑन हो गया, हमने सब कुछ ऑफ किया था, अपने आप
एसी ऑन हो गया। एक तो बहन जो भूत है कि इलेक्ट्रिशियन, माँ की आंख, कभी एसी ऑन कर रहा है, लाइट बंद कर रहा है, सीढ़ी पटक रहा है, माँ की आंख, पागल है क्या कांडू, बिल तेरा बाप भरेगा। बहन जो डरा रहा है कि मस्ती कर रहा है। खैर तो अब ये सब बच्चों दी और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। इतना मैं करता ने बोला कि भाई मेरे को डर लग रहा है। इतना बोलते ही मैंने जीएस भाई की ओर देखा, उनने मेरी ओर देखा, हम दोनों निगाहों में बात कर ली कि भाई इसकी फट रही है, क्यों ना एक तगड़ा प्रैंक किया जाए। हमने अपनी निगाहों से जाल बुनते बुनते एक प्रैंक प्लान किया कि उसको डराना है बेसिकली, ठीक है। बाहर गए जीएस भाई, अब क्या लिफ्ट के पास खड़े हुए। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ एक बार कैसा था। वो गेट है, गेट से बाहर आती सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे आगे जाओगे तो यहाँ पर लिफ्ट है, ठीक है, और वो फ्लोर पर सिर्फ एक ही मतलब स्टूडियो ही और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लिफ्ट के पास खड़े थे जीएस भाई, मैं गेट के पास था और करता मेरे पास खड़ा हुआ था। अब गेट बंद करते वक्त ना मैंने उसको डराने के लिए क्या बोला, अंदर स्टूडियो का वो जो स्टोर रूम था वो दिख रहा था, तो मैंने बोला ये क्या करके बंद कर दिया धड़ाम से। तो करता की फटी बहुत जोर से, बहुत तगड़ी, बहुत, और ये जोर से चिल्ला के मैं सीधा जीएस भाई के पास भाग गया लिफ्ट के पास और उनको जाके मैंने आँख मार दी। आँख मार के ऐसे पीछे मुड़े तो कर्तव्य गायब। मैं कहा बहन जो सही में ही भूत उठा के ले गया, मैं तो मजाक कर रहा था, और जीसस भाई अचानक से चिल्लाए प्रैंक है बहन जो भूत को क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं यार। ये सब हुआ, इतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा, हमको दीवार के पीछे से एक मुंडी दिखी। ये देखते ही मैं इतना स्पीड में आपकी पलक झपके उससे फास्ट दीवार पे जाके चिपक गया उल्टा, और जितनी देर में मैंने इतना एरिया कवर किया उतने में जीएस भाई सिर्फ इतना हिल पाए फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर देखा तो करता वहां से मुंडी निकाल के देख रहा था एक्चुअली। हमने पकड़ा उसको, मैंने कहा यहाँ पे आ साले, वो एक्चुअली अंदर नीचे भाग गया था सीढ़ियों से उतर के, उसको डर के मारे फट गई थी, नीचे भाग गया था वो। फिर वो ऊपर आया, मैंने कहा तू क्या कर क्या रहा था ऐसे, मुंडी निकाल के क्या देख रहा था। तो बोल रहा था भाई मैं चेक कर रहा था। मैंने कहा क्या चेक कर रहा था, तो कहता तुम मरे के जिंदा हो। मैंने कहा एक बार मर भी जाते तो तू क्या करता। बोलता फ़ोन करना पड़ता ना घर पे कि भाई ऐसा ऐसा हो। मैं कहा भैंचो हराम ज़्यादा हेल्प करने नहीं आया, ये चेक करने आया था कि घर पे फोन करके बताना क्या मरा है क्या चिंता, पागल है तू। अब तक तो चलो सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो गया था भाई, उसको डर गया वगैरह वगैरह, ठीक है। करता को नहीं पता था कि हमने प्रैंक किया था, ठीक है, अभी बताने का टाइम भी नहीं था वैसा। बट अब शुरू हुआ बहुत सीरियस पार्ट। हम लोग लिफ्ट के आगे खड़े, लिफ्ट आई नहीं थी, पता नहीं अटक गई थी क्या पता नहीं बीच में फ्लोर पे। अचानक से हमको आवाज़ आती है गेट से, गेट थोड़ा सा पास में ही है जिस जो स्टूडियो का गेट था वो, ठीक है। हमको अचानक से आवाज़ आती है वहाँ से, जैसे कोई गेट ऐसे खोल रहा है, ठीक है। अब हम तीनों एक साथ पीछे मुड़े, आप मानोगे नहीं, वो जो गेट था ऐसा हुक होता है, अब दिखा देना या फोटो आपके साथ आ जाएगी यहाँ पे, वो गेट का हुक लिटरली ऐसे ऐसे हो रहा था, चक 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 चक। अंदर कोई नहीं था और हमको साफ दिखाई दिया, दो बार हुआ चक 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 चक, पहले आवाज आई धीरे धीरे, फिर देखा तो वो लिटरली ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं जीएस भाई की ओर देखा, मैंने कहा अब तक तो प्रैंक अपने हिसाब से चल रहा था और मैंने सिर्फ जीएस भाई को ही प्रैंक के बारे में बताया था, शायद किसी और ने भी सुन लिया। और मैं जीएस भाई की ओर इतना प्राउडली देख रहा हूँ कि इनने प्लानिंग कितनी कैरी की है, यहाँ से बैठे बैठे गेट का चक्रा कंट्रोल कर रहे हैं, खड़े खड़े गेट हिला रहे हैं, बताओ, क्योंकि एक सेकेंड में उतना समझ नहीं आया कि ये अपने आप हो रहा है। बट जीएस भाई को ही पता था कि भाई प्रैंक चल रहा है, मैं कहा ये कर रहे होंगे कुछ जुगाड़। और वो प्राउड वाली छाती लेके जैसे ही मैंने जीएस भाई की ओर देखा, उनका मुंह यूं था, उनको देख के मुझे समझ आ गया कि इनकी प्लानिंग तो डेफिनेटली नहीं है। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जीएस भाई कर रहे होंगे वो गेट को, इतना तो समझ आ जाना चाहिए, इतना दूर खड़े कैसे करेंगे। लेकिन मैं बता दूँ, वो वैसा वाला गेट था, वो बटन से खुलता है ना, वो रिमोट से, वो वाला गेट था और वो फिंगरप्रिंट वगैरह भी था, बहुत लॉक सिस्टम था। तो वो जो रिमोट था वो जीएस भाई के हाथ में था, मेरे को लगा कि उससे शायद कुछ हो रहा होगा, बट उनके एक्सप्रेशन देख के समझ आ गया कि भाई वो तो थे ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। नाउ अब सबसे स्कैरी पार्ट आया, हुआ यूं कि हम तीनों खड़े हैं बाहर, तीनों की ऐसी फट गई है, मतलब बैरली 4-5 सेकंड ऐसे हुआ, मतलब ये देख के हम तीनों एक दूसरे की ओर देखे। इतने में कुछ मूवमेंट कर पाए उससे पहले अंदर से लिटरली तीनों को एक साथ किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई, एकदम हल्की आवाज में, सुरीली, बहुत मीठी आवाज में, एकदम स्लो स्लो गुनगुना रही है, गाना समझ नहीं आ रहा बट राग में गुनगुना रही है और अंदर से आ रही थी डेफिनेटली गुनगुना रही है। और उसके साथ साथ एक छोटी बच्ची की हंसने की भी आवाज आई, दोनों चीजें एक साथ कंबाइन हो रही है। ये सुन के हम ऐसे भागे,
हम ऐसे भागे कि हमारे साथ वाला बंदा चाहे मर जाए, कुट जाए, कट जाए, कभी अगले दिन दिखे ही ना कभी जिंदगी में, तो भी चलेगा, मैं बच जाऊं बस आज। हम इतनी स्पीड में भाग के नीचे थर्ड फ्लोर पे आए, एक्चुअली फोर्थ फ्लोर पे था जो स्टूडियो था वो। तो जैसे ही हम फोर्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे नीचे उतरे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, तुरंत ऑफिस में से एक लेडी आ रही थी, उसको देख के हम शांति हुई, भैया फाइनली कोई इंसान दिखा जिंदा जिसपे हम मतलब बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन। तो फाइनली इंसान को देख के शांति मिली कि भाई इतना हॉरर एक्सपीरियंस होने के बाद में कोई इंसान दिख गया। बट इंसान देखने के साथ साथ ही हमने नोटिस किया कि हमारे साथ एक इंसान तो गायब हो गया, जीसस भाई हमारे साथ थे ही नहीं। अब थर्ड फ्लोर पे इतने हॉरर एक्सपीरियंस होने के बाद में मैं, वो लेडी, उसका एक छोटा बच्चा और कर्तव्य खड़े हुए हैं और जीसस भाई गायब है। और करतो पागल हो गया, रोने लग गया, मेरा डाउन हो जाता है, भूत की वीडियो नहीं बना लिया, जीसस भाई को उठा के ले गया भूत। मैंने कहा नहीं, जीसस भाई को उठा के ले जाना तो मुश्किल, वो भी लेडी भूत, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जीसस भाई एक्चुअली पांचवी छठी सीढ़ी पे ही पहुंचे थे अभी तक, फॉर ऑब्वियस रीजन अगेन। तो हम फटाफट से गए, उनको ऊपर से लेके आए बहन। जीसस भाई ने एक्चुअली डरना बंद ही कर दिया, उनका क्लियर है, बहुत क्लियर माइंड सेट है, उन्होंने सोच लिया कि भाई देखो डरेंगे तो भागना पड़ेगा और भागना हमसे होगा नहीं, तो डरना ही बंद कर देता है। और ऐसे भूत आ भी गया तो क्या ही नहीं, क्या कर क्या लेगा, उनको ही बोल देंगे भाई तू क्या कर क्या लेगा, भाई देख उठा के तो तू मेरे को लेके जा नहीं सकता, तो तेरे को ही पता है ठीक है, और मेरी बॉडी में तेरे जैसे तीन आ जाएंगे आराम से, भैंस ये भूत को पोजेस कर लेंगे। तो अब क्या, हम नीचे आए थर्ड फ्लोर पर उनको लेके, तो थर्ड फ्लोर पर वो लेडी थी, वो खड़ी थी, वो बोली भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों भाग रहे हो। तो हमने बताया कि भाई ऐसा 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 हमारे साथ हुआ, सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर एक्चुअली बच्चे भी रहते हैं, इस वजह से तुमको उनकी आवाज़ आई होगी, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम यहीं पर काम करते हैं। तो हमने सोचा कि अरे यार इससे डर रहे थे हम, असली जिंदा इंसानों को भूत समझ बैठे। फिर हमने सोचा कि क्या पागल बन गए हम लोग तो, और फिर एक दूसरे के मजे लेते लेते फिर नीचे आने लग गए। लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे आ गई थी, फोर्थ फ्लोर पे नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे नहीं आ रही थी, तो हमने थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट बुला ली और फिर उन आंटी को बाय बाय बोल के, जैसे लिफ्ट का एक्चुअली गेट बंद हुआ, तीनों की एक साथ लाइट जली। हम तीनों ने एक साथ सोचा एक दूसरे को देख के कि माँ की आँख, फोर्थ फ्लोर के ऊपर तो कोई फ्लोर है ही नहीं और फोर्थ फ्लोर पे तो सिर्फ एक स्टूडियो ही है जिसमें हम शूट कर रहे थे, तो कौन से बच्चे रहते हैं ऊपर, और फोर्थ फ्लोर के ऊपर सीधा छत है जहाँ पे लॉक लग रखा है ऊपर जाने के लिए, तो लेडी कौन से बच्चों के बारे में बात कर रही थी कि ऊपर बच्चे रहते हैं। और फिर हमने सोचा कि हमको भी तो एक लेडी की और उसके बच्चे की आवाज़ आई थी, और वो भी तो एक लेडी और उसकी बच्ची ही थी। फक ये सोच के इतना भयंकर तरीके से दिमाग खराब हुआ, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तब हम एकदम पूरे या कान के रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे। और ये सोचने के साथ ही अचानक से आवाज आई, टिंग, लिफ्ट खुली, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच चुके। अब हमारी तीनों की फटके काठ गोदाम बन चुकी थी। ये पूरी रोलर कोस्टर राइड होने के बाद में हम लोग बड़े अपनी कार की ओर, सारा सामान, और हाँ इस पूरे दौरान, ये सब होने के दौरान हमारे हाथ में सामान था वो तो अलग, इतना सारा लाइट्स वाइट सब कुछ ठीक है, वो लेके भाग रहे हम लोग। हम तीनों चल रहे हैं अब ठीक है, ये सब एकदम शांत, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ सोच रहे, अंदर इतने सारे सवाल चल रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, बस सोचते सोचते मेरी कार की ओर बढ़ रहे हैं। कार के पास पहुंचे, तब जीएस भाई ने हमको एक चीज़ बताई कि वो जो बच्ची थी उनकी, उनने एक चीज़ नोटिस की थी, वो बहुत नोटिस करते चीज़ों को ना, तो उनने कहा कि वो जो बच्ची थी वाइट कलर की ड्रेस फ्रॉक पहन रखी थी उसने ठीक है, उस पर लाल रंग के निशान हो रखे थे। उनने तब इग्नोर किया, पता नहीं क्यों उनको लगा कि भैया होगा भाई कुछ होगा, तब तो भूत समझा नहीं था उनको ठीक है। तो उनने वो चीज़ हमको नीचे आके बताई कि वो जो बच्ची थी उस, वो एक्सप्रेशन लेस खड़ी थी और उसके लाल लाल ऐसे निशान थे। मैंने कहा ये चीज़ जल्दी बतानी होती, मर जाते फिर क्या स्वर्ग में जाके बताते कि वो लाल रंग का कुछ तो देखा था मैंने लगा हुआ, सॉरी नर्क में, मतलब हम दोनों तो, मैं और जीएस भाई जाएंगे नर्क में, करतब तो सियाणा बच्चा वो जाएगा स्वर्ग। एडिटिंग सही से करती है भूसड़ी। अब हम तीनों के पसीने निकल रहे थे ठीक है, लिटरली पूरे एकदम स्वेटिंग हो रहा था। करतब की तो इतनी हालत ख़राब हो गई, वो भाई साहब उसकी सांस एकदम चढ़ गई, बैठ गया वो पसीने में लथपथ पूरा ऐसे हो रहा है। हमने सोचा भाई क्या करें, इसको घर छोड़ के आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो इसको एक काम करता हूँ, कार से छोड़ देता हूँ, इसकी स्कूटी यहीं पार्क कर देता है। अब कार से छोड़ने के लिए हमने क्या किया कि कार निकालने गया मैं, सारा सामान हाथ में था, ट्विस्ट आया एक बहुत ही तगड़े वाला, मैं कार की चाबी ऊपर ही भूल आया था स्टूडियो में। और जैसे ही मैंने ये चीज़ उन दोनों को बताई, उनकी जो खुन्नस वाली निगाहें हैं उससे मैं समझ गया था कि चर्चाग्राम बंद करने का वक्त आ गया, इस चैनल का फ्यूचर अब मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी अच्छे हैं दोनों, दोनों ने थोड़ी बहुत बस 30-35 गालियां देके मान गए ऊपर आने के लिए मेरे साथ। अब प्रॉब्लम ये थी कि देखो लिफ्ट जो थी वो थर्ड फ्लोर तक ही जा रही थी, फोर्थ फ्लोर डायरेक्ट पहुँच नहीं रही थी जहाँ पे वो था, क्या बोलता है स्टूडियो, तो थर्ड फ्लोर पे हमको उतरना पड़ता जहाँ पे वो लेडी हमको मिली थी, वहाँ से हमको सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता, फिर खोल के अंदर से
चाबी लेके आनी थी, एकदम पूरा मिशन टाइप था। और अब हम ये भी करते कि भाई कार छोड़ जाए, भाई मैं किसी और के साथ स्कूटी पे बैठ के चला जाऊँ कुछ भी, लेकिन ये नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे हाथ में इतना सारा सामान था, लाइट्स वगैरह इतना सारा। एक पॉडकास्ट शूट करने में बहुत सारी चीज़ें यूज होती है भाई, लाइट स्टैंड माइक्स वगैरह सब कुछ। अब सब वो मैं लाया था, मेरी कार में ही जाना था, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग किसी स्कूटी पे चल जाए। तो ऊपर गए लिफ्ट में, थर्ड फ्लोर पे उतरे, देखे बिना आँख बंद करके तुरंत ऊपर भाग गए, गेट खुला स्टूडियो का धीरे से बटन से, टॉर्च लाइट ऑन करी, ऑन करके अंदर घुसे स्टूडियो के, लाइट्स ऑन करी सारी, ठीक है अब तक सब सही था। अब आया क्लाइमैक्स, हम चाबी ढूंढ रहे थे, चाबी ढूंढ रहे मिल नहीं रही, बिल्कुल मिल नहीं रही कहीं पे, पता नहीं चला कहाँ रख दी। हमने देखा स्टोर रूम में टेबल के ऊपर पड़ी हुई है चाबी मेरी कार की। एक तो पहले ही हम दो इंसान एक अधमरे इंसान को लेके आए हैं ऊपर, जिसकी सांस कब बंद हो जाएगी पता नहीं है, और अब उसको हमने फोर्स किया कि चल हमारे साथ अंदर स्टोर रूम में चाबी लेने के लिए। एक और चीज जो हमने नोटिस की बहुत ज्यादा, मेन चीज आपको बताना भूल गया, जैसे ही हमारी लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर रुकी थी, थर्ड फ्लोर पर रुकते ही बाहर निकलते ही वहां पर अचानक से पहले से काफी ज्यादा ठंडा माहौल था, एकदम ऐसा लग रहा था कि ठंड का माहौल चल रहा है, एकदम स्वेटर वेटर पहनना पड़ जाएगा, लेकिन गर्मी थी उस वक्त। फिर हमने इग्नोर किया क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था, फिर ऊपर गए थे। एंड जैसे ही हमने गेट खोला था स्टूडियो का, आप मानोगे नहीं, अंदर एसी ऑन था, जबकि हम प्रॉपर बंद करके आए थे। अब क्या हुआ, तीनों गए स्टोर रूम में, स्टोर रूम में गए थे, टेबल के ऊपर चाबी पड़ी थी, मैंने उठाई, शांति से उठा ली, वापस ऐसे कैसे पीछे आ रहा स्लोली स्लोली, क्योंकि भागना है यहाँ से। इतने में हमारी नज़र गई स्टोर रूम में, मेरी पड़ी सबसे पहले नज़र, पहले जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे अभी तब वहाँ पे वो चीज़ थी नहीं, लेकिन अब थी। लाल कलर की पोटली में एक्चुअली कोई चीज़ थी, लाल रंग के कपड़े से ऐसे बांध रखी थी, लाल कलर की पोटली जैसा बना रखा था, और वो वहाँ पे स्टोर रूम में पड़ा हुआ था एकदम बीचों बीच में, ठीक है। हमारी पहले नज़र नहीं गई या फिर पता नहीं, वो चीज़ वहाँ पे थी ही नहीं, और वो अब थी। जैसे ही मैंने जीएस को बोला, कर्ता को बोला ये चीज़, तो हम तो हक्के बक्के रह गए कि भाई ऐसी चीज़ तो हमने भी नहीं देखी करके उन लोगों ने बोला। जीएस भाई की नज़र पड़ी पर्दे पे, स्टूडियो के पर्दे पे, हम लोग याद है हम लोग अभी 5 मिनट पहले ही निकले थे वहाँ से, बंद करके पर्दा पूरा बंद, पूरा पर्दा खुला हुआ था, जैसे किसी ने ऐसे खोला ऐसे सनलाइट लेने के लिए, रात के टाइम, सॉरी मूनलाइट, रात के 1:30 बजे ऐसी हरकतें हो रही है हमारे साथ में, ठीक है। पर्दा खुला हुआ था, वो पोटली हमने देखी, हमने सोचा उसको छूना नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। इतने में सिर्फ स्टोर रूम की ही नहीं, पूरे के पूरे स्टूडियो की लाइट, लाइट जाती एकदम अंधेरा, किसी की टॉर्च भी ऑन नहीं थी। हम लोग जो भागे आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि हम इतना स्पीड में भागे हैं कि जीएस भाई हमसे 4 फुट आगे भाग रहे थे। उन्होंने नया नया अपने अंदर एक टैलेंट डेवलप किया फटवाने का। हम लोग ऐसे भागे कि हुसैन बोल्ट हमसे ट्रेनिंग ले ले। कुत्ता पीछे पड़ा होता है ना तब भी इतना तेज नहीं भागते, यहाँ तो भूत पड़ा था इसलिए भागेंगे ऑब्वियसली। भागते भागते मैंने फटाफट से गेट बंद किया, गेट बंद करते अंदर आवाज आई सीढ़ी गिरने की, मुझे पता है वो सीढ़ी की आवाज, सीढ़ी गिरती तो आवाज आती है, वो लोहे की सीढ़ी थी तो ऐसे गिरने की आवाज आई क्लियर, अंदर स्टोर रूम से दांत से गिरी अपने आप। हम लोग भागे एकदम स्पीड में, एकदम लिफ्ट के बिना भागे, और भागते वक्त वापस हम थर्ड फ्लोर तक पहुंचे तो वापस हमको ऊपर से वो आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई, वो जो लेडी की थी गाना गाने की, बहुत तेज, इतना तेज कि हम तीनों को क्लियर सुनाई दे रही थी, ऊपर से गूंज रही थी आवाज़ और क्लियर ही सुनाई दे रही, वो बच्ची की आवाज़ और वो लेडी की आवाज़ गुनगुनाते। हम लोग हाथ में इतना इतना सामान लेके इतना तेज भाग रहे हैं, ये वाली लाइट थी, ये वाली, ये पूरी बड़ी लाइट आती है इतनी, इसको ले लेके दो लाइट्स और रिंग लाइट और आरजीबी लाइट और माइक लेके भाग रहे हैं, माइक सब एकदम मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम कार के पास पहुंच गए, और एकदम ऐसे भागे कि करता अपने घर, मैं अपने घर, वो अपने जीएस भाई अपने घर में, बिना किसी से बात करे सीधे 3 दिन तक बात ही नहीं की आपस में, सीधा 3 दिन बाद कॉल पे बात हुई हमारी। भागते वक्त पूरे रास्ते हनुमान चालीसा बोली हमने, फिर सोचा कि पहले बोली होती तो ये सब नहीं होता, बट खैर उन्होंने बचाया हमको। और फिर मेन चीज हुई, जिसका ये स्टूडियो था वो हमारे कॉमन फ्रेंड का ही था, एक फ्रेंड के फ्रेंड का, उससे जब पूछा हमने कि भाई ये यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा होता है क्या, तो कहता कि हाँ मतलब कभी कभार मेरे दोस्त दोस्त जाते हैं तो बोलते रहते हैं कि हाँ ऐसी आवाज़ें आ रही है ये वो, तो वो तो पी के टुन हो जाते हैं, ख़त्म गया। अब जिस इंसान ने एक बार चढ़ा ली फिर उसको तो क्या ही पता चलेगा, बट उसने बताया कि कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब जितने भी कोई वो दोस्त लोग जाते हैं सब लोग मिलके, तो अंदर से कुछ गिर रहा है ये वो, तो वो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो इग्नोर करने लायक था नहीं एक्चुअली। सबसे मेन सवाल मेरा यह है कि वो नीचे लेडी आई कहाँ से, थर्ड फ्लोर पर जो लेडी थी वो कहाँ से आई, कहाँ गई, कौन थी, कुछ नहीं पता। इतने सारे सवाल हमारे अंदर अभी भी चल रहे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं अभी तक हमारे पास। और उस कुत्ते ने जब बताया कि ये सब उनके स्टूडियो में हो रखा है पहले भी, मन तो ऐसा किया कि चाटे चाटे बचाओ, पर नहीं बचा सकता था क्योंकि अगली बार वापस यूज़ करना था। और आप मानोगे नहीं, उसके बाद वापस 2 बार हमने पॉडकास्ट उसी स्टूडियो में शूट किया, लेकिन दिन में जाते हैं, ढीट है ना ढीट,
हमको बोलते हैं वो, दिन में जाते हैं वहाँ पे शूट करते हैं पूरा प्रॉपर, और रात होने से पहले आ जाते हैं। तो ये है हमारा डेयरिंग, आप देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पॉडकास्ट के जिसके बाद ये सब हुआ, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही थी आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर दो। और बहुत दिनों बाद आई, आई नो, बट ये रियल स्टोरी थी। आई नो उतना ज़्यादा शायद मज़ा आया नहीं आया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो था वो बताया मैंने। ठीक है, बाकी सारी स्टोरीज होती है किसी और की होती है, कुछ तो मैं अपने हिसाब से ऐड ऑन कर देता हूँ या फिर कुछ अलग से बता सकता हूँ, लेकिन ये जो अभी अभी हुई है रिसेंटली, बस मैंने वही बताया। ठीक है, तो बस यही था, शेयर कर दो और कर दो बस, और क्या, जल्दी लाएंगे फिर अगली हॉरर स्टोरी। मतलब पता है, गाली मत दो, ले आऊँगा, सच में ले आऊँगा इस बार। मेरे को व्यूज़ चाहिए इस पर 6 लाख तो हो जाएंगे, 1 लाख लाइक कर दो। चलो चलो, 1 लाख लाइक्स, अगली स्टोरी। चलो बाय, लव यू।